नमस्कार बोलते तारे, आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राशिफल के जरिए आप अपने आने वाले भविष्य के बारे में जान सकते हैं, लेकिन क्या उसके पहले आपको पता है कि सिंह राशि वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है? चलिए आज आपको बताती हूं सिंह राशि वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है। सिंह राशि में जन्म लेने वाले लोग किसी भी कार्य को दिल से करते हैं। इस राशि के लोगों को बोलना बहुत पसंद होता है। इस चक्कर में कई बार ये ऐसा बोल जाते हैं जो नहीं कहना होता है, इसलिए इस चक्कर में मुसीबत में भी ये फंस जाते हैं। इस राशि के लोगों को चुप रहना पसंद नहीं होता है। सूर्यदेव का प्रभाव होने के कारण इस राशि के लोग मिलने जुलने में काफी ऊर्जा लगाते हैं और साथ ही अपने साथ साथ अपने परिवार की भी सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध होते हैं। इस राशि के जातक कई बार अपने फायदे के चलते स्वार्थी स्वभाव में भी हो जाते हैं और अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए कई बार दूसरों की अनदेखी भी कर देते हैं। राजा की तरह जीवन यापन करने वाले इसको काफी अच्छा लगता है। दूसरों की सफलता से इन्हें कभी जलन नहीं होती है, बल्कि वे हमेशा मदद के लिए आगे रहते हैं। इनके अंदर आगे बढ़ने की कला काफी अच्छी होती है, लेकिन इनको केवल राह दिखाने वाला चाहिए। सिंह राशि में जन्मे लोग हंसी मजाक करना बहुत पसंद करते हैं और इसी स्वभाव के कारण दूसरों में जल्दी घुलमिल भी जाते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा आत्मविश्वास और तेजी से आगे बढ़ते हैं, हालांकि कभी कभी अपने ध्यान से भी भटक जाते हैं। और अब चलिए राशिफल की तरफ रुख करते हैं और शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मेष राशि वाले के लिए शुभ योग बन रहे हैं। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने पड़े तो अवश्य करें, क्योंकि लाभ होंगे। पारिवारिक संबंधों में ताजगी भरा रहेगा और जीवन साथी से भी आपको सम्मान मिलेगा। व्यापार के सकारात्मक परिणाम से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपकी आय में भी वृद्धि होगी। और अब बात करते हैं वृष राशि की। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप घरेलू उपयोग के लिए कोई वस्तु खरीद सकते हैं और आप अपने वैवाहिक जीवन में भी सुगमता बनाए रखेंगे। साथ ही कार्य क्षेत्र में भी अतिरिक्त काम आपके कंधों पर आ सकता है, जिसे आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ करना होगा। लेकिन किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहे, नहीं तो थोड़ी अनबन हो जाएगी। और अब बात करेंगे वृष के बाद मिथुन राशि की। आप राजनीतिक कार्यों में कुछ अधिक रुकावट महसूस करेंगे, जिससे आपके मन भी कुछ उदास रहेगा। भाई बहनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा। आप व्यस्तता के कारण भी अपने प्रेम जीवन के लिए समय निकाल लेंगे, जिससे आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। जो लोग व्यवसायी है उनके लिए समय काफी अच्छा है। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। यदि आप व्यापार में किसी के साथ साझेदारी करना चाहते हैं तो इसमें आपको भरपूर लाभ मिलेगा और आपके भविष्य की नींव मजबूत होगी। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। निवेशकों के लिए समय लाभकारी है। आपको समय का पूरा सहयोग मिलेगा। चलते चलते अचानक कोई लाभ का अवसर मिल सकता है। आपके जीवन साथी की सलाह आपके व्यवसाय में मददगार साबित होगी, जिससे आपको लाभ होगा। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लोगों के लिए दिन काफी व्यस्तता वाला रहेगा। बता दें कि विद्यार्थियों के लिए परिश्रम करने वाला रहेगा। मेहनत करने से अच्छा सफलता प्राप्त होगा और साथ ही परिजनों की ओर से आपको कोई जरूरी काम सौंपा जा सकता है और इस कारण खर्चे भी बढ़ेंगे। सामाजिक कार्य करने से समाज में स्वच्छता छवि बनेगी और आपको अपने कार्य क्षेत्र पर भी पैनी नजर रखनी होगी। और अब बात करते हैं कन्या राशि की और जानेंगे 7 मार्च का दिन कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आपको पुराने कर्जों और बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। सामाजिक कार्यों से संबंधित यात्रा में प्रबल संभावना है। आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए आपको सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। स्वजनों से भी संबंध सुधरेंगे, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में भी बेहतरी होती नजर आएगी। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ने से आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन घबराए नहीं, आपके लिए सब कुछ फायदेमंद होगा। और अब बात करते हैं तुला राशि की।
आपके पिता का सहयोग आपको विपरीत परिस्थिति में लड़ने से बचाएगा, जिससे आप स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन किसी भी तरह के पैसों के लेन देन से बचना होगा। व्यापार में आपको अपने जीवन साथी का सहयोग और साथ मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग अपने भविष्य को मजबूत करने के लिए कड़े फैसले ले सकते हैं। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी और आपके जीवन साथी आपके और भी करीब आएंगे। दोस्तों के साथ भी अच्छा समय बिताएंगे। शाम का समय आप भक्ति और ईश्वर के दर्शन में व्यतीत करेंगे। दूसरों की मदद करने से आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। दफ्तर में आपके अधिकार बढ़ने से सहकर्मियों का मूड खराब हो सकता है, लेकिन आप अपने अच्छे व्यवहार से सबका दिल जीत लेंगे। विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने का अवसर प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं धनु राशि की। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं और नौकरी या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनके आसपास के लोग उनकी मदद कर सकते हैं। आपके सहकर्मियों के साथ मिलकर आप सभी चुनौतियों का सामना करेंगे। क्रय विक्रय से जुड़े व्यापारियों को लाभ होगा और साथ ही उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा होगी। आप धैर्य और मृदु व्यवहार से पारिवारिक अशांति को दूर करने में सफल रहेंगे। और अब बात करते हैं मकर राशि की। इस राशि में जातकों को कारोबार में लाभ मिलेगा। नौकरी में भी स्थिति बेहतर रहेगी और आप दिन का आनंद लेंगे। पारिवारिक जीवन में भाई बहन और निकट संबंधियों से सहयोग मिलेगा। इनकी मदद से आपको कोई काम भी बन सकता है। आप किसी उत्सव और कार्यक्रम में भी भागीदार बन सकते हैं, लेकिन आपके लिए सलाह है कि अति उत्साह और जोखिम से बचे, नहीं तो चोट भी लग सकती है। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की और जानेंगे 7 मार्च का दिन कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। सम्मान और लाभ की प्राप्ति होगी। राजनीति से जुड़े लोगों को सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कारोबार जातकों के लिए दिन व्यस्तता वाला रहेगा। परिश्रम के साथ लाभ मिलने से चेहरे पर खुशी रहेगी। कुछ रसूखदार व्यक्तियों के साथ आपका संपर्क हो सकता है। पारिवारिक जीवन में स्नेह और सहयोग बना रहेगा। जिन लोगों का आपसी तनाव चल रहा है, उनके रिश्ते भी बेहतर होंगे। और अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। संतान पक्ष से कोई लाभकारी समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार में किसी परिचित के जरिए नई डील फाइनल होगी। छात्रों को अपने शिक्षकों और सहपाठियों का पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार की उम्मीदों को पूरा करेंगे और काम पर भी ध्यान देंगे। किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के आपके प्रयास सफल रहेंगे। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।